हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कल से जो एक नए ECS T10 शुरू होने वाले हैं, फ्रैंकफर्ट ECS T10 हंगरी का, यहां पर फर्स्ट और सेकंड मैच जो खेला जाने वाला है रॉयल टाइगर्स और बुदापेस्ट ब्लाइंडर्स के बीच जो मैच होगा उसके मैच प्रीव्यू। तो प्रीव्यू दिखने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो, आप टेलीग्राम पर जाइए, जाके टारगेट इन फैंटेसी लिख के सर्च कीजिए और जो 1.2K प्लस सब्सक्राइब वाला चैनल आपको दिखाई देंगे वही हमारा ऑफिशियल चैनल है। वो चैनल आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। साथ में देखिए, अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम की तो लिंक आपको मिलेगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन पर आप जाइए, जाके टारगेट इन फैंटेसी की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए लिंक में क्लिक करके। तो देर किस बात की, अभी के अभी फाइनल टीम के लिए, विनिंग टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैच की बात करें, देखिए कल दो मैच है, एक मैच है 12 बजे और दूसरा मैच है यहाँ पर 2 बजे दोपहर को। और GB ओवल स्कॉडी लेगेट हंगरी पर ये मैच, ए लीग का सारे मैचेस होगा, बिल्कुल क्लियर वेदर रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात करें, बैटिंग फ्रेंडली रहेगा, साथ में यहाँ पर न्यू एंड फ्रेश पिच रहने वाले हैं बिल्कुल। एवरेज स्कोर की बात करें, देखिए 126 तक यहाँ पर रहता है। लास्ट पाँच मैच देखिए, ROT यहाँ पर जीते लास्ट पाँच मैच खेल के 2 मैच और BUB यहाँ पर लास्ट पाँच मैच खेल के 2 मैच जीते। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, देखिए 4 मैच यहाँ पर आमने सामने खेले हैं ये दो टीम्स, जिनमें से ROT ने 3 बार जीते और BUB ने 1 बार जीते। लास्ट 5 T10 मैचेस की यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न देख लीजिए, एवरेज टोटल स्कोर रहा है 126, एवरेज फास्ट इनिंग टोटल भी रहा है यहाँ पर 126। टॉस विनिंग के बाद बैटिंग फर्स्ट करते हैं 80%, टीम बॉलिंग फर्स्ट करके जीतते हैं 80%। इस सीजन का वेन्यू रिकॉर्ड की बात अभी तक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएंगे ए स्टेयर सबको मिलते रहेंगे। और आज की मैच प्रतिशत की बात करते हैं, देखिए ROT की टीम्स 50% विनिंग चांसेस, BUB की टीम्स यहाँ पर 50% विनिंग चांसेस। तो दोनों टीम का यहाँ पर सेम स्ट्रेंथ मान के आप चलिए और एक कॉम्बाइन करके टीम बनाइए। अभी हम दोनों टीम के प्रोबेबल प्लेइंग XI के बारे में बात करेंगे, साथ में यहाँ पर रिसेंट स्टैट्स क्या है, जो रिसेंटली डोमेस्टिक मैचेस T20 मैचेस खेला प्लेयर्स ने, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ROT की तरफ से प्रोबेबल प्लेइंग साइज विद बैटिंग ऑर्डर, साथ में यहाँ पर प्लेयर रिसेंट परफॉर्मेंस हम देखेंगे। अभिषेक आहूजा स्टान यहाँ पर ओपनिंग कर सकता है खाइबर दिलदार के साथ, दोनों ही डायहत के बल्लेबाज है। और अभिषेक आहूजा स्टान यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर विकेट कीपरिंग भी कर सकता है। रिसेंट स्कोर की बात कर लेते हैं, अभिषेक आहूजा स्टान ने यहाँ पर 0, 23, 12, 6 और 61 रन बनाया है। खाइबर दिलदार लास्ट जो 5 मैच खेला वहाँ पर 15, 4, 9, 0, 2 रन बनाया। तो यहाँ पर आप देखिए आहूजा स्टान आपके लिए एक अच्छा पिक रह सकते हैं स्मॉल लीग की टीम पर। नंबर 3 की बात करें, साफी जाहिर डायहत के बल्लेबाज, राइट और मीडियम पे स्पिनिंग बॉलिंग भी करते हैं। 26, 10, 78, 4, 1 रन बनाया लास्ट 5 मैच खेल के, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। 1 डाउन आते हैं, साथ में पर 2 ओवर बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा कैप्टनसी वाइस कैप्टन का ऑप्शन बन सकते हैं इस मैच में। अनुज खन्ना की बात करें, डायहत के बल्लेबाज, रिसेंट कोई स्टेयर्स नहीं मिले इनका, प्लेयर अच्छा है, लास्ट सीरीज अच्छा खेला था। और नंबर 5 की बात करें, जीशन खान डायहत के बल्लेबाज, राइट और मीडियम पेस बॉलिंग कर लेते हैं। जो लास्ट डोमेस्टिक मैच इन्होंने खेला वहाँ पर देखिए 137, 21, 4, 12, 5 रन बनाया है और 1 विकेट और 0 विकेट निकाला लास्ट 2 मैच में। तो ये आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, अगर 2 डाउन आए तो ये भी तब आपके लिए बहुत ही अच्छा बन सकता है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से आपको पॉइंट्स देने के चांसेस बन जाएंगे। नंबर 6 की बात करें, हर्ष वर्धन डायहत के बल्लेबाज, साथ में पर राइट आर्म ऑफ बॉलिंग डालते हैं। 3, 9, 15, 4 रन बनाया, 0, 1, 1 और 1 विकेट, मतलब 4 मैच खेल के 3 विकेट निकाला। अभिषेक खेतरपाल राइट हैंड बैट्समैन, साथ ही पर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं। 15, 0, 23, 42, 26, साथ में पर 0, 0, 0 और 1 विकेट निकाला, 4 मैच में 1 विकेट निकाला। ये प्लेयर बहुत अच्छा है, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वाइस कैप्टन का चॉइस बन सकते हैं। अकरमुल्ला मलिक ज़्यादा दाएं हाथ के फास्ट बॉलर है, 0 और 1 विकेट निकाला। शुभम धारी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, 1, 0, 0 और 0, 4 मैच में 1 विकेट निकाला। नंबर 10 की बात करें, वेंकोटा नरसिम्हन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 0 विकेट और 1 विकेट निकाला। तन्मय गोम्स यहाँ पर लेफ्ट और मीडियम पेस बॉलिंग डालते हैं, 0, 1, 0 विकेट निकाला लास्ट 3 मैचों में। तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे कौन कौन से प्लेयर को 2 ओवर मास्ट भी बॉलिंग मिलने चाहिए। देखिए तन्मय गोम्स है, वेंकटा नरसिम्हन है, शुभम धारी है, मध्यन है, जीशन खान है, तो ये 5 प्लेयर्स को मेरे हिसाब से मास्ट भी 2 ओवर बॉलिंग मिलने चाहिए। साथ में पर देखिए खेतरपाल और सफी हज जाहिर, इनको मेरे हिसाब से बॉलिंग मिलनी चाहिए, और चाहे 2 ओवर हो सकते हैं और 1 ओवर भी हो सकते हैं।
तो एक बार देख लीजिए आरओटी की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके इस मौलिक टीम पर मस्ट पिक रहना चाहिए। अभिजेक अवजस्टान है, खाइबर दिलदार है, जिसन खान है, मध्यन है, खेतरपाल है और नरसिम्हन है। तो यहाँ पर छः प्लेयर सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है इस मैच पर। दूसरी टीम की तरफ देखेंगे बीयूबी, अहमद अमजद अजीज यहाँ पर डायंत के बल्लेबाज, राइट हैंड मीडियम पेस, बॉलिंग भी कर लेते हैं। लास्ट पांच मैच की स्कोर देखिए 26-34, 11-0 और 19 और 0-0, 1-1, 3 विकेट, मतलब बहुत ही अच्छे प्लेयर है आपके लिए, अच्छा खासा कैप्टनसी और वाइस कैप्टन चॉइस भी बन सकते हैं इस मैच में। उसके साथ ओपनिंग करेंगे यहाँ पर उसामा काजरा, नायत के बल्लेबाज है, 1-34, 7-4, 0 रन बनाया। महिला डैब ये भी नायत के बल्लेबाज, 14-2, 3 रन बनाया। अनुप गुप्ता की बात करें 0 रन, 8 रन, 2 रन, उतने अच्छे फॉर्म पर रिसेंट में नहीं है, लेकिन अच्छा कर सकता है T10 लीग से, तो यहाँ पर आके थोड़ा बहुत हिटिंग कर सकता है। नंबर चार पर बैटिंग करेंगे। पाँच नंबर की बात करें माज भाई जी, ये नंबर चार पर भी आ सकते हैं, विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर आपको मिलेगी, दाएं हाथ पे बैटिंग करते हैं। 30-28, 28-22, 25 रन बनाया लास्ट पाँच मैच में। अब्बास गानी नंबर छः पर आएंगे, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट हैंड फास्ट बॉलिंग करते हैं। 52-20, 42-23, 39 और लास्ट तीन मैच में 0-0, 1 विकेट निकाला। राहुल गोयल नंबर सात पर आएंगे, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, दाएं हाथ के बल्लेबाज, साथ में पर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। 10-2, 0 रन किए लास्ट तीन मैचों में, साथ में यहां पर देखिए पांच मैच खेल के 1-1, 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट निकाला। नंबर आठ की बात करें डैनियल अकबर, 16-1, 9 रन, साथ में पर लास्ट तीन मैचों में 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट, तीन मैच में 1 विकेट निकाला। नंबर नौ की बात करें आली यालमाच, दाएं हाथ के फास्ट बॉलर है, बहुत ही अच्छे बॉलर है, देखिए लास्ट तीन मैचों में 3 विकेट निकाला, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। सलमान खान टू नंबर 10 पर आएंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट निकाला, लास्ट चार मैच खेल के 3 विकेट निकाला। संदीप मोहनदास की बात करें राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करता है, लास्ट सीरीज अच्छे परफॉर्मेंस किया था, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट निकाला, तो ये भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से प्लेयर को इस मैच में दो ओवर करके मास्ट पिक बॉलिंग मिलनी चाहिए, ये दो जो दो मैच खेला जाने वाला है वहाँ पर देखिए अब्बास गानी, राहुल गोयल, दानियल अकबर, सलमान खान और संदीप मोहनदास, तो मेरे हिसाब से ये पाँच बॉलर्स को दो ओवर करके बॉलिंग मिलनी चाहिए इस मैच में। साथ में पर अहमद अजीज, इनको भी दो ओवर बॉलिंग मिल सकते हैं, तब किसी के ओवर यहाँ पर कट हो सकते हैं अगर इनकी 1/1 डिवाइड हो जाए किसी और के साथ। तो आप देख लेंगे बीयूबी की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉलिक टीम पर मस्ट पिक रहना चाहिए। अहमद अजीज है, उसाना काजला है, माज वाजी है, अब्बास गानी है, राहुल गोयल है, डैनियल अकबर है और इस पर यहाँ पर आली यालमाज है। तो यहाँ पर ये सात प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, आप इनमें से 4, 5, 6, 7 जितने प्लेयर्स चाहिए आपके स्मॉल की टीम पर रख सकते हो, आपके लिए हर एक प्लेयर पर अच्छा रहने वाला है। अभी हम बात करेंगे स्मॉल लीग के कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की चॉइस के बारे में। देखिए अब्बास घानी, अभिषेक खेतरपाल, हर्ष मंदियान यहाँ पर डिफॉल्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की चॉइस आपके लिए इस मैच पर रहने वाला है। और ग्रैंड लीग पिक्स पर कौन कौन से प्लेयर रहते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, वकर महमूद, अभिषेक अवजस्टान, अहमद अजीज, राहुल गोयल, तो ये चार प्लेयर्स यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए गाइस, अगर आप 20 टीम लेके ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आपके लिए एक छोटी सी टीम हमारी तरफ से रहने वाला है कि पहले आप 11 सेफ प्लेयर्स को लेके एक स्मॉल लीग का सेफ टीम बना लो, उसके बाद दो प्लेयर्स को यहाँ से चूज करके कैप्टन बस्कर बना दीजिए, साथ में ग्रैंड लीग पर जो जो प्लेयर है उनमें से 2 से 3, क्योंकि पहला मैच शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले आप 2-4 मैच देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कैसे ग्राउंड स्टेट्स, मतलब कैसे ग्राउंड बिहेव कर रहा है, पिच कैसे चल रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल लीग को इन्वेस्ट करना है। 2 से 3 प्लेयर्स को आप चुनिए डिफरेंशियल पिक्स और उनमें से हर एक टीम पर रोटेशन कर लेना है, क्योंकि देखिए ग्रैंड लीग पर अभी क्या हुआ कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपके पास अपने टीम पर जितना ज़्यादा वेरिएशंस रहेंगे, जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशंस वाले टीम आपके पास रहेंगे, आपको जीतने के चांसेस उतना ही बढ़ेंगे। तो आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि आपकी हर एक टीम अलग अलग तरीके से बने, जैसे कि हम आपको कुछ सजेशन दे देते हैं टेलीग्राम पर, फाइनल स्मॉल लीग की टीम देने के बाद हम थोड़ा बहुत ग्रैंड लीग की भी मतलब सेशन दे देते हैं, वहीं से आपको सेशन लेना है कि कौन से प्लेयर को हम ड्रॉप कर रहे हैं। आप वैसे भी कोई एक दूसरे प्लेयर्स को ड्रॉप कर दीजिए और एक प्लेयर को ले लीजिए, ऐसे करके आपको थोड़ा अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर ग्रैंड लीग ज्वाइन करना है। देखिए बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हम जो फाइनल टीम देते हैं उसको ही कॉपी करके लगा देते हैं, तो हम आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप वैसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप किसी का टीम कॉपी कर रहे हो तो आपको नॉलेज कभी नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप वीडियो को पूरा देखिए,
हम जो स्टैट्स की बात बताते हैं, जो ग्राउंड स्टैट बताते हैं, जो पिच इन्फो बताते हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आप देखिए, सारे न्यूज आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद खुद से सोच के एक अच्छा सा टीम बने। देखिए सुनो सबकी, करो दिल की, आपको खुद की दिल की सुनना है और एक अच्छा सा टीम बनाना है। आप अगर कॉपी कर रहे हो तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं जान पाओगे। अगर आप लॉस कर जाओगे तो आपको दूसरों को ब्लेम करना पड़ेगा, अगर आप जीत भी जाओगे तो आपकी कोई क्रेडिट भी नहीं होगा वहाँ पर। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोच के खुद से टीम बनाना पड़ेगा। आप सेशन लीजिए, किसी भी पास से आप सेशन ले सकते हो किसी के पास, तो वो आपकी मटर है, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये रहेगा आपके लिए स्टैट्स और लेस की बात। अभी चलते हैं डेमो की तरफ, वहाँ पर हमने एक स्मॉली का डेमो टीम बना के आपको दिखाएंगे, लेकिन फाइनल टीम आपको टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ में वहाँ पर आपको क्रैली का भी 3-4 टीम मिल सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर जो सबसे सेफ ऑप्शन होगा ए अवजस्टान, क्योंकि ओपनिंग का चांसेस है। साथ में एम भाईजी जो है ये अच्छे प्लेयर है, लेकिन नंबर 5 पर आते हैं, तो इसलिए इससे बेहतर सेव ऑप्शन होगा ए अवजस्टान। आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग पर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर और कोई दूसरा कीपर खेले तो हम आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। बैटिंग ऑप्शन की बात करें, देखिए ए अजीज, डब्ल्यू महमूद, और साथ में यहाँ पर रहने वाले हैं ए गुप्ता। बाकी यहाँ पर और कोई प्लेयर हमारे टीम पर अगर रहे आए तो हम आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि हमारे टीम पर ऐसे चेंजेस हो रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, एज माध्यम रहेंगे, ए घानी रहेंगे, आर रॉयल रहेंगे, साथ में पर ए खेत्रपाल रहेंगे। बॉलिंग की बात करें, ए यलमाज, ए मालिक ज़्यादा, उसी के साथ टी गोम्स, क्योंकि देखिए क्रेडिट का थोड़ा इशू आ रहा था, तो इसलिए हमको ये 8 क्रेडिट वाले एक प्लेयर को लेना पड़ा। वैसे भी ये प्लेयर अच्छा है, चार मैच खेल के 3 विकेट निकाला, 0-0-1-2 विकेट निकाला, तो इसलिए ये प्लेयर अच्छा है, आपके लिए अच्छे कर सकते हैं इस मैच में। तो फिलहाल ये हमारा टीम पर रहने वाला है। यहाँ पर हमारा टीम का जो सेफ कैप्टन होगा वो है ए घानी और ए खेत्रपाल। सेव करके आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा, और प्रीव्यू में थोड़ा सा ग्रैंड लीग के बारे में भी डिस्कस कर देंगे। देखिए ए अवजस्टान रहने वाला है विकेट कीपरिंग सेक्शन पर, बैटर ऑप्शन पर रहने वाला है ए गुप्ता, ए आजीज, डब्ल्यू महमूद, उसके साथ ऑलराउंडर सेक्शन पर रहेंगे एच माध्यान, ए खेत्रपाल, ए घानी और आर रॉयल। बॉलिंग की बात करें, ए यलमाज, टी गोम्स और ए मालिकजादा। हमारी टीम का जो सेफ कैप्टन है वो है ए घानी और ए खेत्रपाल। और अभी थोड़ा सा ग्रैंड लीग के कैप्टनसी और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, ए गुप्ता, ए अजीज, ए अवजस्टान, एज माध्यान, ए मालिकजादा और ए यलमाज। यहाँ पर ये 6 प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा कैप्टनसी और वाइस कैप्टन चॉइस हो सकते हैं, लेकिन तभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेफ कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये मैच में आपको ग्रैंड लीग ही ज़्यादा खेलना चाहिए, क्योंकि पहला वाला मैचेस है, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल लीग पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ध्यान देकर सुनिए, कि अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर रिस्क ले रहे हो ग्रैंड लीग पर, तो आप टीम्स को सेफ रखिए, प्लेयर्स को सेफ रखिए। अगर आप प्लेयर्स के ऊपर रिस्क ले रहे हो, 2-3 प्लेयर्स को रोटेशन कर रहे हो जैसे कि हमने आपको पहले बताया, तब आपको क्या करना चाहिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन को सेफ रखना चाहिए। तो इन दोनों में से किसी एक रिस्क को आप ले सकते हो। 2 रिस्क अगर आप एट ए टाइम एक टीम पर ले रहे हो तो आपकी टीम फ्लॉप होने वाली है। तो अब तो ये सोच, मतलब दिमाग में सोच के ये बात सोच के टीम बनाना, तो तब आपको अच्छा टीम बना पाओगे आप। तो ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग के डेमो टीम। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टॉस के बाद, लाइनअप के बाद, और गैर लीग के टीम भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, और अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस अब तक पहले मिल जाए। और एक अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो पर।